हमारी इस पूरी धरती पर लगभग 3 ट्रिलियन ट्रीज है और हर साल हम इंसान करीब 15 बिलियन ट्रीज काटते हैं और लगाते हैं बस 5 बिलियन। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ अगले 300 सालों में हमारी इस पूरी दुनिया में कोई भी पेड़ नहीं बचेगा। हालांकि ये इम्पॉसिबल है कि इस दुनिया से सारे पेड़ काटे जाएंगे, क्योंकि पेड़ कम होने पर इतने सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा या फिर हमारा इस धरती पर जीना नामुमकिन हो जाएगा। पर फिर भी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर इस पूरी धरती से सारे पेड़ एक ही दिन में कट गए तो क्या होगा। इससे आप सबको अंदाज़ा आएगा कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी है। पेड़ पौधे और एल्गी इस दुनिया की सबसे पहले जीवित चीज़ों में से एक है। एल्गी के बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जो कि पानी में पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों को लगता होगा कि हमें ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ पौधों से मिलता है, पर ऐसा नहीं है। समंदर, महासागर, नदी, तालाब में पाए जाने वाले एल्गी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि एल्गी इस पूरी दुनिया का 70% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है और पेड़ पौधे 30%। तो इस बात से ये साफ होता है कि अगर सारे पेड़ काटे जाएंगे तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन तो खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पेड़ की ज़रूरत नहीं है। और समंदर में पॉल्यूशन के कारण साल 1950 से 40% एल्गी पॉपुलेशन कम हो गया है। ये तो अच्छी खबर नहीं है। जब पेड़ काटे जाते हैं तो उनमें स्टोर किया हुआ CO2 भी एटमोसफियर में रिलीज हो जाता है। तो जब सारे पेड़ काटे जाएंगे तो लगभग 35 बिलियन टन CO2 एटमोसफियर में रिलीज हो जाएगा। इतना CO2 हम हर साल एमिट करते हैं, पर इस बार इसे सोखने के लिए हमारे पास कोई पेड़ नहीं होंगे, तो हवा की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी। आज हम वायरस से बचने के लिए मास्क पहन रहे हैं, पर बाद में हमें पॉल्यूशन से बचने के लिए फेस मास्क पहनना पड़ेगा, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। ना पेड़ पौधे, ना कुछ, सब कुछ एकदम बंजर हो जाएगा। फिर कहीं पे हरियाली नहीं दिखेगी, दिखेगा तो हर तरफ ये धुआं। ये पॉल्यूशन का धुआं स्पेस से भी नज़र आएगा। पूरी धरती इस धुएं में लिपट जाएगी। इससे सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। फिर हमें जिंदा रहने के लिए किसी बहुत बड़ी खोज की ज़रूरत होगी। वाटर बॉटल्स की तरह हर दुकान में ताज़ी हवा के सिलेंडर्स मिलेंगे। अरे मिलेंगे क्या, आज भी कई सारे पॉल्यूटेड सिटीज़ में ये बॉटल्स मिलते हैं। 10 लीटर ताज़ी हवा की कीमत है लगभग 800 से 1500 रुपये। हमें हर मिनट 7 से 8 लीटर ताज़ी हवा लगती है, तो 10 लीटर हवा में हम 1.5 से 2 मिनट तक ही सांस ले पाएंगे। ज़रा गहराई से सोचो इस बात पर, जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती थी आज हम उन्हीं चीज़ों को इतने सारे पैसे देकर खरीद रहे हैं। हम इंसान है ही ऐसे, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आती, पर जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है तब उसकी कीमत समझ में आती है। पॉल्यूशन की वजह से हर साल लगभग 6 मिलियन लोगों की जान जाती है, और इनमें से सबसे ज़्यादा केसेस चाइना और इंडिया से ही आते हैं। तो पेड़ ना होने पर ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हेल्दी से हेल्दी लोग भी पॉल्यूशन की वजह से कमज़ोर हो जाएंगे। पेड़ नहीं होंगे तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। जो बचा हुआ है उसी के लिए जानलेवा मारपीट होगी। जिंदा रहने के लिए लैबोरेटरी में बना आर्टिफिशियल फूड खाना पड़ेगा। पेड़ नहीं होंगे तो नए घर भी नहीं बन पाएंगे। बिना लकड़ी के इस्तेमाल किए नए घर बनाने की टेक्नोलॉजी आज आ गई है, पर वो बहुत कॉस्टली है, जो कि आम इंसान के बस के बाहर है। हमें पेपर भी नहीं मिल पाएगा। पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी आसानी से यहाँ से वहाँ हो जाएगी, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को एक जगह पर पकड़े रखते हैं। बारिश भी बहुत कम होगी। पेड़ नहीं होने पर धरती का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे कई जगह सूखा पड़ जाएगा और ग्राउंड वाटर की बहुत कमी आएगी। एक रिसर्च के हिसाब से 2030 तक 40% इंडियन पॉपुलेशन को पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। गर्मी बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और अल्टीमेटली वाटर लेवल्स बढ़ जाएंगे, जिससे पानी के किनारे बसे शहर या फिर गांव पानी के और नीचे चले जाएंगे या फिर पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। ये सब बातें तो हुई हम इंसानों के बारे में, पर जानवरों का क्या? एक स्टडी के हिसाब से दुनिया के लगभग 50% एनिमल स्पीशीज रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और जो बचेंगे वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएंगे और दुर्भाग्य से मारे जाएंगे। और बिना पेड़ के लगभग सारे के सारे इंसेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। पेड़ सिर्फ CO2 ही नहीं पर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो बिना पेड़ के वो केमिकल्स भी हवा में ही रहेंगे। दुनिया में 1.6 बिलियन लोग जिंदा रहने के लिए जंगलों पर निर्भर है।
कई साल पहले जब हम इंसानों ने इस धरती पर कब्जा नहीं किया था, तब यहाँ पर आज से लगभग दुगने पेड़ थे। पिछले 50 सालों में हमने अमेजन के जंगलों का 17% हिस्सा गंवाया है। इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली खबर यह है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा के जंगल 85% से घट गए हैं, यानी कि सिर्फ 15% जंगल अभी बाकी है। रिसर्चर्स के अंदाजे से हम हर साल 4 से 6 मिलियन स्पीशीज गंवाते हैं। 15% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पेड़ काटने से होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि वो गैसेस जो सूरज की गर्मी को धरती पर ही लॉक करके रखते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एट्सेट्रा। अगर पूरी धरती का तापमान आज से सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया तो सी लेवल 20 सेंटीमीटर से बढ़ सकता है। घर पर बैठे बैठे कुछ लोगों को 20 सेंटीमीटर कुछ भी नहीं लग रहा होगा, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हर साल सी लेवल 3.4 मिलीमीटर से बढ़ता है। फिर भी हम सी लेवल से जुड़े इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो ज़रा सोचो अगर सी लेवल 20 सेंटीमीटर से बढ़ गया, जो कि 3.4 मिलीमीटर से 59% बढ़ा है, तो क्या होगा? किनारों पर बसे गाँव शहरों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाएगा, गर्मी भी बहुत बढ़ जाएगी। और अगर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया तो धरती पर कई सारे इलाके रहने लायक ही नहीं बचेंगे। एक तरफ से ये होगा और दूसरी तरफ से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन, लकड़ी और सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, और इतने सारे लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी। इस सब से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हर चीज़ को एक लिमिट तक ही किया जाए तो ही ठीक है। हमारी गलती ना होने पर जब हमें सज़ा मिलती है तब हमें कैसा लगता है? बहुत गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है। तो ज़रा उन जानवरों के बारे में सोचिए जो बेवजह हमारे फैलाए कचरे की वजह से सज़ा भुगत रहे हैं।